तो दोस्तों MIA 3 के पिट जाने के बाद अब Xiaomi लॉन्च करने जा रहा है MIA 4। तो दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशन है काफी दमदार बताई जा रही है और आज हम इसे कंपेयर करेंगे दोस्तों Redmi Note 9 Pro से। आज इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन, जानेंगे कौन सा फोन किस डिपार्टमेंट में बढ़िया है, जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी या फिर परफॉर्मेंस। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा रहेगा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए करते हैं शुरू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ, आप देख रहे हैं टेक फॉर ज्ञान। तो हो जाए शुरू। चलिए करते हैं शुरुआत दोस्तों दोनों फोनों के डिजाइन से। तो अगर पहले बात की जाए Xiaomi MIA 4 की, तो इसका जो वेट रहेगा दोस्तों वो हमें 170 से 180 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें ग्लास की देखने को मिल जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ हमें ग्लास और एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए कलर वेरियंट की, तो ये हमें दोस्तों पीरल ब्लू और पीरल व्हाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन की, तो इसके अंदर हमें स्प्लैश प्रूफ की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर इसमें पानी की छींटे पड़ती है तो दोस्तों कहीं हद तक इसे प्रोटेक्ट करेगा। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों Redmi Note 9 Pro की, तो इसका जो वेट हमें 209 ग्राम देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात की है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि ग्लास और एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर कलर वेरिएंट की बात की जाए, तो हमें ब्लू, व्हाइट और ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर वाटर प्रूफ की बात की जाए, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें स्प्लैश प्रूफ की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर डिजाइन के मामले में देखा जाए, यहाँ पे दोनों फोनों के अंदर ही टाई है, बट अगर आपको लाइट फोन चाहिए तो आपके लिए रहेगा दोस्तों Xiaomi MIA 4। चलिए करते हैं बात दोस्तों अब डिस्प्ले की। तो अगर बात की जाए Xiaomi MIA 4 की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी 6.4 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दोस्तों। और इसका जो PPI रहेगा वो 402 PPI में देखने को मिल जाएगा। और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो इसके सामने की तरफ हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों Xiaomi Redmi Note 9 Pro की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है 6.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले। तो दोस्तों इसका जो PPI रहेगा वो हमें 395 PPI देखने को मिल जाता है। और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। तो दोस्तों अगर डिस्प्ले के मामले में देखा जाए, यहाँ पे आगे निकल जाता है दोस्तों Xiaomi MIA 4, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें AMOLED की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हो सकता है कि इसके अंदर हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाए, यहाँ पे दोस्तों ये काफी बढ़िया डिस्प्ले रहेगी। और दोस्तों जो AMOLED है वो अपने कलर के लिए जानी जाती है, उसके अंदर काफी पंची और काफी क्रिस्प कलर हमें देखने को मिलते हैं, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ IPS के डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पे तो आगे रहता है Xiaomi MIA 4। तो चलिए करते हैं बात दोस्तों दोनों फोनों की परफॉर्मेंस की। तो अगर बात की जाए दोस्तों Xiaomi MIA 4 की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 730G 8 नैनोमीटर बेस रहेगा दोस्तों, और ये ऑक्टो कोर पे रहेगा। तो जिसके दो कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2.2 GHz पे Karo 470, और जो बाकी के 6 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.8 GHz पे Karo 470। और अगर इसके GPU की बात की जाए, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा Qualcomm Adreno 618। तो चलिए करते हैं बात दोस्तों अब Xiaomi Redmi Note 9 Pro की। तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 720G। तो ये भी दोस्तों 8 नैनोमीटर बेस रहेगा और ये ऑक्टो कोर पे रहेगा दोस्तों। तो जिसके दो कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2.3 GHz पे Karo 465, और जो बाकी के 6 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.8 GHz पे Karo 465। और इसका आर्किटेक्चर जो रहेगा वो हमें 64 बिट का देखने को मिल जाएगा। अगर GPU की बात की जाए, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें Adreno 618 देखने को मिलेगा। अगर रैम की बात की जाए दोस्तों दोनों फोनों के बेस वेरियंट में हमें 4 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बेस पे देखा जाए, तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइटली आगे रहता है Xiaomi MIA 4, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 730G, जो कि दोस्तों एक स्टेप आगे रहता है 720G से। और जिसका Adreno है दोस्तों वो भी हमें 5 से 10% ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बेस पे देखा जाए, तो यहाँ पे आगे रहेगा Xiaomi MIA 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और करते हैं बात स्टोरेज की। तो दोनों फोनों के अंदर हमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और दोस्तों वही अगर बात की जाए एक्सपेंडेबल मेमोरी की, तो Xiaomi MIA 4 में हम एक्सपेंड कर पाएंगे अप टू 256 GB, और वही अगर बात की जाए दोस्तों Redmi Note 9 Pro में, तो इसमें हम एक्सपेंड कर पाएंगे अप टू 512 GB। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेंडेबल मेमोरी का स्लॉट है वो हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है Redmi Note 9 Pro में। तो चलिए करते हैं बात दोस्तों दोनों फोनों की कैमरे की। तो दोनों फोनों के अंदर दोस्तों हमें क्वाड कोर का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो अगर पहले बात किया Xiaomi MIA 4 की, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो हमें 48 MP का देखने को मिल जाएगा, और दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 8 MP का वाइड एंगल लेंस कैमरा, और तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा, और जो चौथा कैमरा रहेगा वो 2 MP का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात किया दोस्तों Redmi Note 9 Pro की, तो इसके अंदर हमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, और दूसरा कैमरा रहेगा वो 8 MP का देखने को मिलता है वाइड एंगल लेंस कैमरा, और तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा, और चौथा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। और वहीं अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए, तो Xiaomi MIA 4 में हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर बात किया दोस्तों Redmi Note 9 Pro की, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर कैमरे के बेस पे देखा जाए, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों फोनों के अंदर टाई है, दोनों फोनों के अंदर दोस्तों हमें सिमिलर कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों रियर की और या सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों फोनों के अंदर टाई रहेगा। तो चलिए करते हैं बात दोस्तों बैटरी की। तो अगर बात की जाए Xiaomi MIA 4 की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 30W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। और वहीं अगर बात की है Redmi Note 9 Pro की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है 5020 mAh की बैटरी, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो दोस्तों अगर बैटरी के डिपार्टमेंट में देखा जाए, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ज्यादा बैटरी चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए रहेगा Redmi Note 9 Pro। बट दोस्तों अगर आपको अच्छी चार्जिंग स्पीड वाला फोन चाहिए,
चाहिए तो दोस्तों आपके लिए रहेगा Xiaomi MIA4, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें 30W चार्जिंग की स्पीड देखने को मिल जाती है। चलिए करते हैं बात दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो दोनों फोनों के अंदर दोस्तों हमें 2G, 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो Xiaomi MIA4 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों Redmi Note 9 Pro की, तो इसके अंदर हमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि पावर बटन में। और अगर जैक की बात की जाए तो दोनों फोनों के अंदर हमें 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन। अब जानते हैं दोस्तों ये कौन सा रहेगा वैल्यू फॉर मनी। तो अगर बात की है दोस्तों Xiaomi MIA4 की, तो इसकी जो प्राइस बताई जा रही है दोस्तों 14,000 से 18,000 रुपए के बीच बताई जा रही है। और वहीं अगर बात की है दोस्तों Redmi Note 9 Pro की, तो दोस्तों ये हमें 13,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम Xiaomi MIA4 लें तो इसके अंदर हमें AMOLED की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, स्लाइटली अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और कैमरे तो दोनों ही फोनों के अंदर सेम रहेंगे दोस्तों, और अच्छी चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप Redmi Note Pro के साथ जाना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ आप एक ही कारण जाना चाहेंगे कि उसके अंदर दोस्तों हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू फॉर मनी और यहाँ पे जो विजेता रहेगा वो रहेगा दोस्तों Xiaomi MIA4। अब दोस्तों अगर ये 14,000 से 15,000 रुपए के बीच में लॉन्च होगा तो बिल्कुल ये बढ़िया फोन रहेगा दोस्तों। बट दोस्तों अगर ये आगे बढ़ता है, यानी कि ये Realme X2 की प्राइस पे आता है, यानी कि 17,000 रुपए के बीच में उसे टक्कर देने के लिए, तो भी दोस्तों एक वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा। तो दोस्तों जब भी लॉन्च होगा मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर हमें लाइक दीजिएगा, और कमेंट बताइएगा दोस्तों कि आपकी क्या राय है दोनों फोनों के बारे में, आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।